दोस्तों, आपको जी टीवी का एक समय का सबसे पॉपुलर सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के तो याद ही होगा, जिसमें दो बहनों की जबरदस्त आकांक्षाओं और दिल के जज्बातों की कहानी को दिखाया गया था। और इन दोनों बहन के किरदार में दर्शकों ने अभिनेत्री एक्ट्रेस महिमा मकवाना को पसंद किया था, क्योंकि इनकी नेचुरल खूबसूरती और डायलॉगबाजी के लोग घर घर में फैन हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी डायलॉग बाजी और नेचुरल खूबसूरती से फेमस होने के बावजूद भी एक्ट्रेस महिमा मकवाना को वो नाम और पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो पाई जो इस शो में किसी दूसरी अभिनेत्री को हुई थी। और कहीं ना कहीं उसी अभिनेत्री की वजह से महिमा मकवाना इस शो में उतनी फेमस नहीं हुई है जितना कि इन्हें होना चाहिए था। इन्हें फेमस होने से रोका है इसी सीरियल की एक अभिनेत्री ने, जिसे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। अगर आप भी अभिनेत्री के नाम और चेहरे से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पर उससे पहले एक्ट्रेस महिमा मकवाना के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साल 2012 का दर्शकों का फेवरेट शो सपने सुहाने लड़कपन के लिए जी टीवी ही नहीं बल्कि अभिनेत्री महिमा मकवाना भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, जिन्होंने इस सीरियल में रचना का प्यार और सिंपल किरदार निभाया था, जिसे देखकर हर एक लड़की और माता पिता खुश हुए थे। लेकिन अपने बेहतरीन किरदार से सभी लोगों के सर पर चढ़कर ज्यादा फेमस ना होने वाली अभिनेत्री महिमा मकवाना को इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि इनका लाइमलाइट इनसे छिन गया। जी हाँ, अभिनेत्री महिमा मकवाना को इस सीरियल में जिस अभिनेत्री ने पॉपुलर नहीं होने दिया था, उस अभिनेत्री का नाम है रूपल त्यागी। रूपल त्यागी का कैरेक्टर गुंजन इतना स्ट्रांग और प्यारा था कि उन्होंने अपने मेन लीड कैरेक्टर के रूप में ना सिर्फ लोगों के बीच में अपनी अच्छी खासी जगह बनाई बल्कि समाज में बहुत प्रसिद्धि भी हासिल की। वहीं महिमा मकवाना का साइड कैरेक्टर भले ही था, पर इन्होंने कभी भी मेन एक्ट्रेस से कम मेहनत नहीं की। मगर इतना करने के बावजूद भी अभिनेत्री महिमा मकवाना को साइड कैरेक्टर का ही फेम मिला और रूपल त्यागी को मुख्य अभिनेत्री का, और इसी की वजह से महिमा मकवाना इस सीरियल में ज्यादा फेमस नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, इस सीरियल में आपको अभिनेत्री महिमा मकवाना की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी थी या फिर रूपल त्यागी की, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।